देश की रक्षा और सुरक्षा से जुड़े बड़े सैन्य अधिकारियों और वैज्ञानिकों पर अपने देश की गुप्त योजनाओं और जानकारियों को दूसरे देशों के साथ साझा करने के आरोप लगते रहते हैं। कई बार ये आरोप सही भी होते हैं, कई बार ये सरकारों की साजिश का हिस्सा होते हैं, यानी इन पर लगाए गए आरोप झूठे होते हैं। जिन पर देश की खुफिया या गुप्त जानकारी दूसरे देशों के साथ साझा करने के आरोप लगते हैं, उन पर देशद्रोह के मुकदमे चलते हैं और उन्हें सालों जेल में बंद रखने की सजा दे दी जाती है। रूस ने भी अपने प्रमुख रूसी वैज्ञानिकों में से एक अनातोली मास्लो पर हाल के वर्षों में राजद्रोह या देशद्रोह का आरोप लगाया है और इस हाइपरसोनिक मिसाइल वैज्ञानिक को देशद्रोह के आरोप में 14 साल की सजा सुना दी है। 77 वर्षीय मास्लो और कुछ अन्य लोगों ने हाइपरसोनिक मिसाइलों के डेवलपमेंट में सैद्धांतिक कार्य किया था। उन्होंने एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए ध्वनि की स्पीड से 10 गुना तक पेलोड ले जाने में सक्षम अत्याधुनिक हथियारों के लिए काम किया था। रूस ने मास्लो पर रूस के हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम से जुड़ा टॉप सीक्रेट डाटा जर्मनी के साथ शेयर करने का आरोप लगाया था। उसी संस्थान के दो अन्य वैज्ञानिक अलेक्जेंडर सिप्ल्यूक और वालेरी जुगिनसेव को भी 2022 में देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जो मुकदमे की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये दोनों वैज्ञानिक भी हाइपरसोनिक्स के विशेषज्ञ हैं। देशद्रोह और जासूसी के मामलों में लोगों को बचाने में माहिर एक एसोसिएशन पैरवी ओटडेल के वकील येवगेनी स्मिरनोव ने कहा कि तीनों वैज्ञानिकों के खिलाफ आरोप लगभग समान थे। उनके मुताबिक इन तीनों पर ही एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के दौरान राज्य की गुप्त मानी जाने वाली जानकारी लीक करने का आरोप है। यदि मास्लो के खिलाफ दोष सिद्ध होते हैं तो ये कानून का घोर उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि मास्लो अपने ऊपर लगाए गए कृत्यों के दोषी नहीं है और वो रूसी अधिकारियों की नीतियों का शिकार है। वकील ने कहा कि वैज्ञानिकों का उत्पीड़न रूसी अधिकारियों का एक राजनीतिक कदम है। इसके जरिए वे यह दिखाना चाहते हैं कि दुनिया भर की खुफिया एजेंसियां रूसी हथियारों के रहस्यों को चुराने की कोशिश कर रही हैं। वकील स्मिरनोव ने यह भी कहा कि वैज्ञानिकों पर जो आरोप लगे हैं, जिन चीजों को गुप्त या रहस्य बताया जा रहा है, वो वास्तव में खुले तौर पर प्रकाशित थे और किसी के लिए भी उपलब्ध थे। इस मामले में रूसी मीडिया ने मास्लो के वकील का हवाला देते हुए कहा कि वैज्ञानिक ने अदालत को अंतिम संबोधन में कहा कि उन्होंने अपना पूरा जीवन विज्ञान को समर्पित कर दिया है और अपने देश को धोखा देने का कभी सपना नहीं देखा था। बचाव पक्ष ने कहा कि मास्लो को साल की शुरुआत में दिल का दौरा पड़ा था और लंबी जेल की सजा मौत की सजा के बराबर होगी। आपको बता दें कि इससे पहले पिछले महीने इसी क्षेत्र के एक अन्य वैज्ञानिक अलेक्जेंडर कुरानो को 7 साल की जेल हुई थी। एक रूसी अखबार ने कहा कि मास्लो के खिलाफ गवाही देने के बदले कुरानो को कम सजा दी गई है।